आपत्ति क्या थी अगर सचिन पायलट बन जाए? जिसके कारण 34 दिन होटल में बैठे रहे, सरकार गिरा रहे थे, ये उसमें अमित शाह भी शामिल थे, धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे, तब भी अगर हाईकमांड पायलट को अगर बनाने चाह रही हो फिर उनको कैसे बना सकते हैं? जो आदमी के पास 10 तो विधायक नहीं है, नंबर एक, जिसने रिवोल्ट किया हो, जिसको गद्दारी नाम दिया गया है, उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते कोई लोग? तो MLA कह रहे हैं कि जो इनका जो गद्दार को स्वीकार नहीं करेंगे, आप भी इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते? जो आदमी गद्दारी कर चुका है उसको हमारे MLA, मैं खुद भुगतता हूँ 134 दिन तक, उनको वो कैसे स्वीकार करेंगे? बट उन्होंने तो डिनाई किया है कि मैं बीजेपी से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था, सचिन पायलट ने किसी को डिनाई कर नहीं सकता, पूरा खेल उन्हीं का था। 10-10 करोड़ रूपए बांटे गए हैं, मेरे पास प्रूफ है। आप कह रहे हैं राजस्थान में सब ठीक है, बट इज इट कंफर्म्ड कि आप रहेंगे CM? हाँ तो मैं ही हूँ यहाँ पर। नहीं बट अगर हाई कमांड की तरफ से कोई इशारा, कोई आसार की, नहीं नहीं कि वो दे वांट टू चेंज, दे वांट टू चेंज, दे वांट टू ब्रिंग इन पायलट, ऐसा कोई आपको इंडिकेशन दिया है? मेरे को कोई इंडिकेशन नहीं है।